मेरा दूसरा सफ़र है और आज की तारीख है 21 अक्टूबर 2017 और टाइम हो रहा है 12:05। मैं अभी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से भुज जा रहा हूँ। मेरी ट्रेन दादर से होके यहाँ रेलवे स्टेशन पे आ रही है, तो चलिए देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। मैं बस लूँगा और आगे निकलूँगा। तो भाई साहब ने मुझे चाय की ऑफर किया, आगे चाय पी के जाना है, तो मैं यहाँ चाय का मज़ा ले रहा हूँ कच्छ की तरफ से। अब मैं यहाँ बस स्टैंड के पास चाय पी के काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ और वहाँ से मैंने भाई साहब ने चाचा से मैंने पूछा कि मुझे आईना महल जाना है तो रास्ता कैसा होगा, तो चाचा मुझे ले के जा रहे हैं आईना महल की तरफ। कि चलिए मैं आपको साथ में छोड़ देता हूँ। चाचा तो यहाँ से आईना महल कितना दूर होगा चलने में? चलने में पाँच मिनट का रास्ता है कच्छ के बस स्टैंड से आईना महल की तरफ। बहुत ही अच्छी जगह है सुनने में आया, चलिए देखते हैं कैसा है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था जिसकी वजह से मैंने अंदर का नहीं दिखा सका, मैं घूम कर आ गया, फोटो अलाउड एकदम बिल्कुल नहीं था। तो बस बिल्कुल यही है और अब हम लोग चलते हैं यहाँ से स्वामी नारायण टेम्पल जो कि पराग महल और आईना महल के पास में ही पड़ता है। तो मैं अभी सामने खड़ा हूँ स्वामी नारायण टेम्पल के पास, चलिए देखते हैं कैसा है। मंदिर के पास हूँ और ये मंदिर का नाम है नारायण मंदिर, जैसे मैं बताया आपको। ये अभी हाल में ही बना है जिसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा आर्किटेक्चरल नहीं लग रहा है, मगर हाँ ये जगह घूमने के लायक है तो मैं यहाँ घूम लिया, मुझे अच्छा लगा। यहाँ के लोग जो आस्था रखते हैं वो यहाँ आ सकते हैं घूमने बिल्कुल। स्वामी नारायण मंदिर इसका नाम है। ओके हाँ यस अपमान रहमान पीपुल। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं वाइट डेजर्ट की तरफ, अगर मुझे यहाँ से बस मिलती है तो वाइट डेजर्ट की तरफ चलेंगे। ओके बाय बाय बाय।